गाइज अगर आप भी चाहते हैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाना वो भी बिना कोडिंग के, सो गाइज ये वीडियो है आपके लिए। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अजीम और आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट इन जस्ट 1 आवर। यस गाइज, आप 1 घंटे में अपनी वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम सारी स्क्रैच से लेकर एडवांस तक सारी स्ट्रेटेजी सारी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि जिन स्ट्रेटेजी जिन टेक्निक के बेस पर हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओगे एंड आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लोकल सर्वर पर होस्ट करोगे। यहाँ पर आपको कोई भी डोमेन होस्टिंग बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहले अपनी वेबसाइट बनाइए, देन अगर आपको लगता है, आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है तो आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर दीजिए। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट आप प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक स्टेप जो कि गाइस पेड स्टेप है सारी आपको फ्री में बताने वाला हूं और यहां पर आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। यस गाइस यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आप एक कंपनी की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सपोज दैट आपकी कोई कंपनी है जो कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है या आपका कोई क्लाइंट है और आप उस क्लाइंट की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो गाइस आप इस वीडियो की हेल्प से उसकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्कुल बना सकते हैं। यस गाइस एंड आप उसे इवन चार्ज भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन होता है उसके वही जाकर प्रेस कीजिए गाइस, जिससे होगा कि ये कि जो भी हमारे न्यू वीडियोस आती रहती हैं उन सब की तमाम नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज जाकर गाइस कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दे देना, क्योंकि गाइस क्या होता है कि जो भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो उससे हमें कुछ अप्रिसिएशन मिल जाता है कि ताकि हम आगे और मेहनत करें और आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेकर आए, तो प्लीज जाकर फटाफट से कमेंट कीजिए। सो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हम आज किस तरीके की वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है सॉफ्ट सॉल्यूट के नेम से और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक कंपनी वेबसाइट है, जैसे कोई भी एक कंपनी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी तो ये उस कंपनी की वेबसाइट है। अब हम इसे स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस काफ़ी प्रोफेशनल लुक है वेबसाइट का और यहाँ पर ये हमारी कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। एंड नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो ये रिसेंट प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो भी कंपनी का पोर्टफोलियो होता है तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल होते हैं कि क्लाइंट क्या कहते हैं किसी कंपनी के बारे में, और अगर हम नीचे देखते हैं तो ये हमारा नीचे फुटर है। सो बेसिकली गाइस सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर हेडर है एंड यहाँ पर ये कुछ हमारे मैन्यूज ऑप्शंस हैं, देन यहाँ पर ये हमारा जो स्लाइडर है कंप्लीट। एंड आप देख सकते हैं कि हेडर इस चीकी है कि जैसे ये ऊपर होगा तो ये मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड जैसे हम नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल में तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। और ये यहाँ पर हमारे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देन यहाँ पर नीचे सर्विसेज। एंड अगर हम यहाँ पर चलते हैं अबाउट अस पेज में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेज है और यहाँ पर आप अपना कुछ भी एडिट वगैरह ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि हम एडिट कैसे करते हैं। यहाँ पर आप अपनी कोई भी एक वीडियो लगा सकते हैं और ये फिर नीचे स्लाइडर ऐसे हम देखते हैं कि आर्टिकल्स में कि जो कोई कंपनी पोस्ट वगैरह आर्टिकल वगैरह लिख सकती है तो सारे यहाँ पर शो होंगे आर्टिकल सेक्शन में। यस गाइस कूल, तो हमारे ग्रिड सेक्शन में नज़र आ रहा है। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो यहाँ पर ही हमें कंप्लीट आर्टिकल दिखा देता है एंड नीचे ये रिप्लाई करने का ऑप्शन भी हमें देता है कि कोई भी यूज़र अगर हो वो कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। एक बार हम चलते हैं अब कॉन्टेक्ट अस पेज में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया हुआ है, बराबर में ये पोस्ट का यहाँ पर साइड बार है। तो हम आज इस कंप्लीट वेबसाइट को गाइस बिना कोडिंग के डिज़ाइन करेंगे। यस गाइस आप अपने हाथों से खुद इस साइट को डिज़ाइन करेंगे, एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। सो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पर जाकर यहाँ पर और टाइप करना है वर्डप्रेस। इतने वर्डप्रेस ओपन होती है तो हम एक और टाइप खोल लेते हैं यहाँ पर और एक आपको यहाँ पर लिखना है XAMPP, XAMPP XAMPP डाउनलोड। ओके, अब गाइस XAMPP क्या होता है, XAMPP एक्चुअली में होता है कि जो भी हमारी साइट को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो होस्टिंग पर
किसी सर्वर, कोई सर्वर आप बाई करते हो, वहां पर आप अपनी साइट को होस्ट करते हो, तो गाइस ऐसे ही हमारा ज़ैम्प होता है। ज़ैम्प क्या करता है, हमारे लोकल कंप्यूटर पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है कि हमारी साइट वहां पर होस्ट हो सके। लेकिन गाइस यहां पर ये लाइव साइट नहीं होती। तो अब हम चलते हैं यहां पर वर्डप्रेस में। अब हम इसे एक बार थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे कि गेट वर्डप्रेस डाउनलोड, क्लिक करते हैं फटाफट से। ऐसे इसे ज़ैम्प को ओपन कर लेते हैं। यहां पर ये जो सबसे पहली लिंक है, आप इस पर ही क्लिक करें, अपाची फ्रेंड्स पर। यस गाइज, तो आपको गाइज यहाँ पर करना क्या है कि आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, कि आपका सिस्टम विंडोज़ है, या फिर आपके सिस्टम में लिनक्स पड़ा है, या फिर आपके सिस्टम में मैक वगैरह है। ठीक है, तो गाइज अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ पर ये 64 बिट वाला यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल क्लिक करके। गाइज मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर दूँ, क्योंकि गाइज मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। एंड गाइज इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी सिंपल है, कि जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपको डबल क्लिक करके और फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट करके और सी ड्राइव में इसका पाथ दे देना है, देन वहाँ पर जैम्प नाम का फोल्डर आपका बन जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। सो गाइज अब यहाँ पर देख लेते हैं वर्डप्रेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2। सो गाइज आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद, एंड ये हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि गाइज मैंने वर्डप्रेस भी डाउनलोड की हुई है। तो गाइज आपको इंस्टॉल सिर्फ ज़ैम्प सर्वर करना है, वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल नहीं करना है। गाइज ज़ैम्प सर्वर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, एक लोकल सर्वर होता है, कि जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को लोकली होस्ट कर सकते हो। सो गाइज अब जैसे ही आपने अगर डाउनलोड कर लिया है दोनों को, जब आप अपने सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे तो वैसे तो ये बाई डिफॉल्ट आपका ओपन ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसे क्लोज कर दे दो तो अब आपको यहाँ पर पहले ज़ैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम जाएंगे नीचे सर्च में और यहाँ पर टाइप करना होगा ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे ओपन कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको करना होगा जो अपाची देख रहे हैं, यहाँ पर आप पहले से स्टार्ट करना होगा, और यहाँ पर फिर इसे माई स्केल को भी स्टार्ट करना होगा। क्लियर है गाइज? सो अभी हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने वर्डप्रेस की जिप फाइल को डाउनलोड किया है, उस जिप फाइल को ढूंढना है और उसे कॉपी कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये जिप फाइल यहाँ पर है, और मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और जहाँ पर आपने ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया है बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो सी ड्राइव में, तो यहाँ पर सी ड्राइव में चलते हैं, और नीचे आपको मिलेगा ज़ैम्प नाम का फोल्डर, देन यहाँ पर इसमें चलते हैं, एंड यहाँ पर एक HT डॉक्स का फोल्डर होता है, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सट्रैक्ट हियर। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये यह हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर आप इस फोल्डर का नेम चेंज भी कर सकते हैं, या आप वर्डप्रेस भी रहने दीजिए। तो गाइस मैं इस फोल्डर का नेम एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ओके गाइज यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। अब गाइज इसको आगे करने से पहले हमें करना क्या होगा, पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, कि जहाँ पर हमारी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट टैब में, और हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। सो गाइज यहाँ पर हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पर क्लिक कर दें, और सिंपली गाइज यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैं नेम दे सकता हूँ यहाँ पर वर्डप्रेस, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन गाइज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप नेम देंगे वो स्मॉल लेटर्स में होगा। और यहाँ पर हम कर देते हैं क्रिएट। सो अब चलते हैं वापस से इसी पर अपनी टैब पर, और यहाँ पर हम कर देते हैं लेट्स गो। सो यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम हमें टाइप करना होगा, जो भी डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पर दिया था वही डेटाबेस का नाम हमें यहाँ पर देना होगा। सो बाय डिफॉल्ट ये वर्डप्रेस ही ले रहा है। और गाइस ज़ैम्प का डेटाबेस यूज़र नेम क्या होता है, रूट होता है, और पासवर्ड यहाँ पर ब्लैंक होता है बिल्कुल। एंड यहाँ पर पासवर्ड, ओके ये पासवर्ड को हम यहाँ से हटा देते हैं, और तो यहाँ पर सबमिट, यस कूल, एंड यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन। सो सिंपली यहाँ पर हम साइट का नेम दे देते हैं, तो हम साइट का नेम दे देते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? और यहाँ पर हम यूज़र नेम एडमिन ही रखेंगे, एंड यहाँ पर पासवर्ड भी हम एक काम करते हैं एडमिन ही रख देते हैं, या आप कुछ भी रख सकते हैं गाइस, बट
मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिंपल जो भी पासवर्ड होगा वो रख रहा हूँ कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। गाइज ये यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ये हमारा है एडमिन पैनल का, कि जो हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होगा मीन्स जहाँ से हमारी पूरी वेबसाइट मैनेज होगी, तो ये उस पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड एंड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल देनी है, बिल्कुल जो एक्चुअल पर्सनल ईमेल होगी, और यहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है ब्लैंक, क्योंकि गाइज अगर आप इसे टिक कर देते हो तो ये कह रहा है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब अगर आप इसको टिक कर दोगे गूगल के सर्च इंजन में आपकी साइट रैंक नहीं होगी, इस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। सो हमें तो ट्रैफिक लाना है तो और इंडेक्स भी कराना है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस, यस ग्रेट। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये वर्डप्रेस सक्सेस इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर हम करते हैं आप लॉगिन पर। तो गाइज लॉगिन करने पर ये हमारे से यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम हमने रखा था बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, एंड यहाँ पर जो पासवर्ड हम रखेंगे तो ये हमने ऑटोमेटिक ले रहा है, और हम कर देते हैं रिमेंबर मी और यहाँ पर लॉगिन। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम कुछ अटपटा सा इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये सामने क्या होकर आ गया। सो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं इसे कंप्लीट को आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है एंड यहाँ से हमारी साइट कैसे मैनेज होती है। सो एक बार हम देख लेते हैं कि अपनी साइट को हमारी साइट बनी कैसी है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपके फोल्डर का नेम था वर्डप्रेस एंड एंटर। ओके सो साइट तो हमारी बन चुकी है, लेकिन गाइस अब ये साइट हमारी कुछ बहुत अजीब सी आ रही है, जबकि हमें कुछ ऐसी साइट नहीं चाहिए, बिल्कुल ये भद्दी साइट है। सो अब हमें करना है इस साइट को गाइस अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है, जैसा कि मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली सबसे पहले आपको करना है, अभी आप इसकी बिल्कुल खूबसूरती पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ सिंपल ऐसे करते जाइए, ठीक है। एंड गाइज प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो वेबसाइट मैंने दिखाई है एज इट इज़ आप खुद वेबसाइट वो बना पाएंगे। आपकी साइट में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हेडर होता है, मींस हेडर में क्या होता है कि यहाँ पर आपके कुछ पेजेस होते हैं मेन्यू में ऊपर, कि जैसे होम पेज, अबाउट पेज, प्राइवेसी, कॉन्टैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको पेज डिज़ाइन करने हैं, तो वर्डप्रेस में अगर आपको पेज डिज़ाइन करने हैं तो क्या करना होगा आपको यहाँ पर, अभी आप बिल्कुल यहाँ पर ये ध्यान ना दीजिए कि क्या क्या चीज़ है, बस सिर्फ जहाँ पर आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आप चलिए। तो आपको यहाँ पर एक पेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जाइए ऑल पेज और यहाँ पर क्लिक कीजिए ऐड न्यू, एंड यहाँ पर हम टाइप करते हैं होम और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पब्लिश, एंड दोबारा से यहाँ पर पब्लिश। सो गाइज हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है कंप्लीट, और अभी से बैक करते हैं, एक पेज हम और बनाते हैं यहाँ पर अबाउट अस का, अबाउट अस, और यहाँ पर सिंपली पब्लिश, और एक और बार पब्लिश यहाँ पर। और यहाँ पर हम कर देते हैं पीछे, ठीक है गाइज, और एक पेज और बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस पब्लिश, एंड यहाँ पर अगेन पब्लिश। एंड अब गाइज एक लास्ट पेज और बना लेते हैं हम पोस्ट के लिए, कि जो भी हमारी पोस्ट वगैरह होंगी या जो भी कोई मतलब एडमिन कंटेंट वगैरह लिखेगा वो साइट पर किस सेक्शन में शो होगा, ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे पेज ब्लॉग के नेम से, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ब्लॉग्स और यहाँ पर पब्लिश। क्लियर है गाइज, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने वर्डप्रेस पर। सो एक बार साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पेज आए हैं या नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यस गाइज हमारे पेज आ चुके हैं कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है गाइज। लेकिन ये कुछ अटपटे तरीके से हमारे पेज आ रहे हैं, कुछ मतलब बिल्कुल कोई सीक्वेंस इनकी नहीं है। तो अब हमें करना क्या है गाइज, इन्हें सीक्वेंस में करना है और इनकी सेटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें चलना होगा यहाँ पर, पहले से कट कर देते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा अपने मेन्यूज़ में। तो एक मेन्यू फोल्डर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर अपीयरेंस में, और यहाँ पर नीचे मेन्यूज़, ठीक है गाइज। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक अपना मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना, जिसका नेम रख देता हूँ मेन, और यहाँ पर क्रिएट मेन्यू,
अब गाइज हमारा मेन्यू तो क्रिएट हो चुका है, तो अब हमें इस मेन्यू में अपने कुछ पेज ऐड करने हैं, जो भी हम पेज रखना चाहते हैं। एक तो होम का रखना चाहते हैं हम, एंड एक अबाउट, एक ब्लॉग्स एंड एक कॉन्टैक्टर्स। तो यहाँ पर ऐड मेन्यू कर देते हैं। यस गाइज हमारा ये हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि होम हमारा सबसे पहले आए, तो हम होम को सबसे ऊपर ले जाते हैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एंड अबाउट अस को हम होम के नीचे ले जाते हैं सिंपली। एंड यहाँ पर ये हमारी सीक्वेंस अब सही हो चुकी है। सो गाइज अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि नीचे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन्यू होगा ये किस लोकेशन पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर दे रखा है डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, मींस ये गाइज क्या है कि हमारे मेन मेन्यू यानी कि जो सबसे हेडर का मेन्यू है ये उसको शो कर रहा है। गाइज ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग थीम अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं। किसी थीम में आपको यहाँ पर मिलेगा कि प्राइमरी मेन्यू, और किसी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये आपको अपनी कॉमन सेंस से डिसाइड करना है। सो यहाँ पर हम कर दें सेव मेन्यू, क्लियर है। और यहाँ पर हम एक बार चलते हैं साइट पर और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर ये स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये मेन्यू ऊपर आ चुका है। ओके गाइज अब गाइज हमारे मेन्यू तो बन चुके हैं, लेकिन अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है एक्चुअल काम कि जो भी हमारी ये वेबसाइट है इस वेबसाइट को हमें बनानी है खूबसूरत वेबसाइट। सो उसके लिए हम फोकस करेंगे थीम पर। सो गाइज थीम बेसिकली क्या होती है, एक जो हमारी साइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हमारी साइट में जो भी कंटेंट होगा या फिर जो भी हेडिंग होगी या फिर जो भी स्लाइडर्स होंगे या जो भी बैनर्स होंगे वो उनकी पोजीशन कहाँ होगी और वे किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्लियर है गाइस। सो थीम डिफाइन करते हैं हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे थीम्स को। सो थीम्स के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर अपीयरेंस में, थीम्स ऑप्शन में। अभी आप देख रहे हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस की साथ मिलती हैं जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती हैं 2020, 2090 एंड 2070। सो अब हमारी थीम जो चल रही है, जो हमारी साइट पर मतलब अप्लाई है, वो थीम है 2020, क्लियर है गाइस। ये जो देख रहे हैं आप ये थीम जो है ये 2020 थीम है। सो गाइस अब हमें यहाँ पर कोई और अच्छी सी थीम अप्लाई करनी है, तो एडिंग पर चलते हैं। अब गाइस ये डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट किस तरह की बना रहे हैं, सो गाइस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थीम सेलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिजनेस थीम। सो यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ नीचे और स्क्रॉल करता हूँ नीचे यहाँ पर और ओके। सो हम एक काम करते हैं, ये वाली हम थीम लेते हैं और यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले थीम इंस्टॉल हो रही है, तो भाई इसके लिए आपको करना क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन अपना प्रॉपर रखना है, ये थीम तभी इंस्टॉल होगी। पढ़ी साइट आपकी लोकल पर हो लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि गाइस हम यहाँ पर प्लगइन को थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। यस कूल, तो अब हमारी ये थीम कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं एक्टिवेट और ये हमारी थीम अब एक्टिवेट हो रही है। ओके सो एक बार हम देखते हैं अपनी साइट को कि हमारी साइट दिख कैसी रही है, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। ओके सो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है इसमें साइट में, तो अब हम इसे और कंप्लीट पूरी मॉडिफाई करते हैं गाइस, देखते रहिए। तो अब फटाफट से आपको चलना होगा यहाँ पर कस्टमाइज पर, और यहाँ पर हमें कुछ कह रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह हैं, तो हम इसे इंस्टॉल भी कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर बात आती है प्लगइन्स की, सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं, कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं, मीन्स हमारी वेबसाइट की ताकत को बढ़ा देते हैं एक तरीके से ना। वो जैसे कह देते हैं ना, जैसे बॉर्नविटा वगैरह कह देते हैं कि एक बॉर्नविटा होती है कि हमारी साइट को और अच्छी कर देते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देते हैं। तो गाइस जो हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ वो कुछ प्लगइन भी रिकमेंड करती है, तो मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना चाहिए। गाइस यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पर पेड नहीं बता रहा हूँ, सारी थीम भी कम्प्लीट फ्री है। और कोई थीम आपको मतलब ये पेड करने के लिए बोले तो आपको कुछ पेड नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा बताऊँगा कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ यार फटाफट से वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें, कि ताकि गाइज इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें, जिसका रिजल्ट गाइज ये होगा कि हम इसके ऊपर एक कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट लेकर आएंगे। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइट का कस्टमाइजेशन पैनल आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली जाना कहाँ पर है, सबसे पहले जो ये आपका पेज है, इस पेज को हमें एक अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको होम पेज अपना सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं होम पेज सेटिंग। गाइज हर थीम में होम पेज सेटिंग ऑप्शन ज़रूर होता है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक टिक है स्टैटिक पेज पर,
आपका हो सकता है कि लेटेस्ट पोस्ट पर ये टिक हो बाय डिफॉल्ट, या आपका कुछ ऐसा शो हो, यस कुछ ऐसा शो हो सकता है आपका, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको स्टैटिक पेज पर रखना है, और गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है कि होम पेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने होम पेज डिज़ाइन किया था, तो हमारा होम पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट है यहाँ पर। तो अब गाइज यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि फ्रंट पर, जो हमारी फ्रंट पर काफ़ी सारे बैनर्स वगैरह आ रहे थे और वहाँ पर सर्विसेज वगैरह आ रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि इस थीम ने अपना होम पेज और पोस्ट पेज खुद डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप थीम के होम पेज को सेलेक्ट करें एज ए होम पेज। तो हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि एक होम का ऑप्शन और आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दें। और यस गाइज आप देख सकते हैं कि ये आप हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट थी ऐसे आ चुकी है। सो ऐसे ही हम ये पोस्ट पेज को हम यहाँ पर ब्लॉग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉग भी, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, क्योंकि ब्लॉग वाला यहाँ पर निभ जाती है कि हमारी आर्टिकल जिस पेज पर हम चाहें उस पेज पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर ब्लॉग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पब्लिश कर देते हैं, एक बार साइट को रिफ्रेश कर दें। यस गाइस कूल, हमारी वेबसाइट ही ऐसे आ चुकी है। सो अब फटाफट से इसे कस्टमाइज करते हैं। ओके एक काम करते हैं, अब सबसे पहले पीछे जाते हैं और यहाँ पर पहले साइट की आइडेंटिटी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम टैगलाइन डालते हैं अपनी, वी बिलीव इन परफेक्शन, कुछ भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं जो भी कंपनी की टैगलाइन है। अगर हम इसे अनटिक कर देते हैं तो गाइस ये क्या होगा कि साइट का टाइटल और टैगलाइन यहाँ से चला जाएगा, तो इसे हम टिक ही रहने देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम लोगो भी लगा सकते हैं अपना, और इसे नीचे करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर सेलेक्ट साइट आइकन, तो हमारे से ये साइट का आइकन भी मांग रहा है। मीन्स जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर मतलब जैम्प का आइकन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कोई आइकन डालें तो वो आइकन यहाँ पर शो होगा, जिसे हम कहते हैं फैव आइकन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं मीडिया लाइब्रेरी में, देखते हैं कुछ है क्या, तो कुछ नहीं है अभी। तो सेलेक्ट फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर देख लें तो कोर्स हैं। सो यहाँ पर हम कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे हम ये उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ये उठा लेते हैं यहाँ से और इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसे एंड यहाँ पर इसे क्रॉप कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फैव आइकन कुछ इस तरह से शो होगा। देन इसे यहाँ पर गाइज पब्लिश कर देते हैं, तो हमारा फैव आइकन ऊपर आ चुका है। एक बार इसे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। यस गाइज कूल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फैव आइकन आ चुका है। तो अब हम चलते हैं पीछे फिर, और यहाँ पर अब हम चलते हैं फ्रंट पेज सेक्शंस में, कि जो भी आपको फ्रंट पर सेक्शंस दिख रहे हैं नीचे अलग अलग, तो इनकी सेटिंग हम करते हैं फटाफट से कस्टमाइजेशन करके। एक तो ये मेन स्लाइडर की हम सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अपना ये जो स्लाइडर है आप इसे डिसेबल करना चाहें, तो आप इसे स्लाइडर को डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी गाइज ये जो हमने होम का लगा रखे ऑप्शन, ये हमें होम का यहाँ से गाइज हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये होम का वो नहीं है कि जो ये थीम वाला है, ये होम का वो है जो हमने बनाया था। तो हम इसे हटा देंगे और यहाँ से डिलीट भी कर देंगे बाद में। तो अभी के लिए इसे रहने देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर स्लाइड आइटम, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम ये टाइटल चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि क्रिएट द डिजिटल वर्ल्ड, क्रिएट अ डिजिटल वर्ल्ड। ओके और यहाँ पर हम इसे ये टेक्स्ट भी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। ओके और यहाँ पर हम कर देते हैं लेट्स ग्रो योर बिजनेस विद अस। ओके सो गाइज यहाँ पर ये हमारे चेकआउट का बटन है, तो यहाँ पर आप इसे टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिंक भी कोई डाल सकते हैं। क्लियर है गाइज? एंड यहाँ पर आप इस बैनर को भी चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अपलोड इमेज पर जाएंगे और आप यहाँ पर जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे आप उस इमेज को चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो
तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आइटम को हमें चेंज नहीं करना है और हम कर देते हैं यहाँ पर पब्लिश। अब हम चलते हैं यहाँ पर थीम इन्फो एरिया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थीम इन्फो एरिया कौन सा सेक्शन है। ये सेक्शन हमारा थीम इन्फो एरिया का, तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट चेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट एडिट वगैरह करके, तो हम इसे अभी नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर बैक चलते हैं और यहाँ पर हम करना क्या होगा कि सर्विसेज़ को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं सर्विसेज़ को। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं इस तरह की, तो वहाँ से हम थोड़ा डेटा कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारी कंपनी है शेलर्स, और यहाँ से हम एक काम करें थोड़ा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे वेब डिज़ाइन का है, हम यहाँ से डेटा ले लेते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ का एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना ही डालना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सर्विस आइटम, और यहाँ पर हम कर देते हैं वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ओके। एंड यहाँ पर टेक्स्ट में सिंपली कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ओके। एंड यहाँ पर हम आइकन एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सर्विस जो है इसमें कर देते हैं मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ओके। सो यहाँ पर इसे टेक्स्ट एक बार थोड़ा ले लेते हैं इसका भी। सो यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसमें यहाँ पर कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, और आइकन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर आइकन हम लगा देते हैं मोबाइल का, चेक कर लेते हैं पहले मोबाइल का कोई आइकन है भी या नहीं इसमें, होगा तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर मोबाइल मोबाइल यस, तो हमारा यहाँ पर ये मोबाइल आ चुका है। और यहाँ पर अब थर्ड सर्विस में चलते हैं। सो यहाँ पर हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी। कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आइकन भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे हम ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर ये साइन हमारा आ चुका है, तो फटाफट से इसे पब्लिश कर देते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर इसे हम नहीं छेड़ते, या फिर इसे आप अगर जो आपको करना है तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ आप इसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो ये आपका सेक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, चला जाएगा, तो हम इसे इनेबल ही रखते हैं। इसकी विड्थ हम कर देते हैं कंटेनर, क्योंकि अभी आ रही है ये फुल आ रही है, तो हम इसे कर दें कंटेनर। तो आप देख सकते हैं कार्ड हमारे थोड़े छोटे हो गए हैं, और यहाँ पर आप वन बाय वन इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो हम इसे एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने टेस्टिमोनियल में। सो टेस्टिमोनियल में भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे कुछ भी, और यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट ने क्या कहा है, तो गाइज ये आपको खुद ही करना होगा। आप यहाँ पर यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप इसका टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? तो आपको तीनों ऐसे ही करना होगा, तो ये थीम कंप्लीट एडिट हो जाएगी। अब गाइज हम चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में, और यहाँ पर हम इसे फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। क्लियर है गाइज? और अब हम चलते हैं यहाँ पर फुटर में, तो फुटर ये काफ़ी बेकार लग रहा है, तो ऐसे फुटर को हम थोड़ा सही करते हैं। पीछे जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं हम अपना विजिट्स में। सो यहाँ पर ये फुटर साइड बार वन, यहाँ पर ये सबको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऐसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और कैटेगरी भी यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव। और हम यहाँ पर एक विजिट ऐड करते हैं, ऐड विजिट पर जाकर
यहाँ से हम स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ पेज, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हम कर देते हैं अप्लाई। अगर आपको कोई सा पेज एक्सक्लूड करना है कि कोई पेज आपको यहाँ पर नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पर उस पेज की आईडी भी डाल सकते हैं। आपको मैं बताऊँगा कि आप आईडी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक करते हैं और सेकंड में चलते हैं। यहाँ पर तो सेकंड में हम कुछ कर देते हैं, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, काम करते हैं। सेकंड में हम डाल देते हैं कोई टेक्स्ट। सो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर यह है, तो हम इसके नीचे से कॉपी कर लेते हैं इसका एड्रेस वगैरह। ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। हम थोड़े से चेंज कर देते हैं, क्योंकि गाइस कभी हो सकता है कि कंपनी वाला कोई देख ले और उसे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी आप इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप काम को करिए मज़े से और अपनी वेबसाइट को आप बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एड्रेस, AEDRES एड्रेस और अप्लाई यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम करते हैं, अब इसे पब्लिश कर देते हैं। आप पीछे जाते हैं यहाँ पर और साइड बार में तीसरी एक ऑप्शन लगाते हैं ऐड विजिट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अपना कुछ भी लगा देते हैं, सर्च लगा देते हैं सपोज दैट। क्योंकि गाइस जब आप बड़ी साइट डिज़ाइन करोगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, तो आप यहाँ पर जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अप्लाई, ओके, ठीक है गाइस। तो अब हमारा ये फ्रंट पेज कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। और एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हम चलते हैं मेन्यूज़ में यहीं से ही, और जो हमारे ऊपर मेन्यू थे इसे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। तो अपने मेन मेन्यू में, तो हमारा ये आई थिंक ये होम होगा, ये वाला होम होगा शायद, एक बार लगा कर देखते हैं। इसे यहाँ से कट कर देते हैं और इसे भी यहाँ से हम कट कर देते हैं और इसे पब्लिश करते हैं। एंड बाकी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं, यस गाइज। तो हमारा होम ये वाला सही है, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं। गाइज ये थोड़ा कन्फ्यूज़ है, इसलिए हुआ है क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द केस में हम अपना होम पेज अलग क्रिएट करते हैं, सेपरेट क्रिएट करते हैं। लेकिन गाइज इस थीम में क्या है कि होम पेज इसने खुद का दे रखा है, तो आपको खुद का अपना एक होम पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पब्लिश कर देते हैं यहाँ पर। सो अब गाइज हमारे फ्रंट पेज तो डिज़ाइन हो चुका है, होम पेज। तो हमें अब करना क्या है कि जो हमारा अबाउट पेज है और कॉन्टेक्ट अस पेज है, इन दोनों पेज को हमें बनाना है। तो हम चलते हैं फटाफट से अपने प्लगइन्स में। तो यहाँ पर चलते हैं ऐड न्यू में, एंड यहाँ पर एक प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं, WP फॉर्म्स, जो कि गाइज होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। एंड गाइज एक प्लगइन हम और इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, एलिमेंटर, जिसकी हेल्प से हम अपने अबाउट पेज को डिज़ाइन करेंगे। सो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं WP फॉर्म्स, ओके। यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारे इंस्टॉल हो चुका है, और एक्टिवेट में सब बाद में करेंगे। तो हम एक बार अपना एलिमेंटर को और इंस्टॉल कर लेते हैं, एलिमेंटर, एलिमेंटर, ओके। गाइज एलिमेंटर ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वर्डप्रेस में। गाइज एलिमेंटर की हेल्प से आप काफ़ी अच्छी, बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपने कोई एक थीम इसमें इम्प्लीमेंट की अपनी साइट में, और आप थीम की फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपने खुद का कस्टम होम पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो गाइज एलिमेंटर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स देता है और आपको कुछ मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स भी देता है। आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अपना एक अच्छा प्रोफेशनल होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज एलिमेंटर के ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि गाइज मैं वो प्लेलिस्ट जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूँ। सो अब हम चलते हैं फटाफट से यहाँ पर अपनी इंस्टॉल्ड प्लगइन में,
और यहाँ पर हम कर देते हैं प्लगइन्स पर ऑल क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं बल्क एक्शन एक्टिवेट एंड अप्लाई। जो भी हमारे प्लगइन डीएक्टिवेट हैं वो सारे यहाँ पर हमारे एक्टिवेट एक साथ हो जाएंगे, हमें अलग अलग प्लगइन को एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्लगइन होता है, प्लगइन जो होता है हमारी साइट के अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड कर देता है, हमारी साइट को बूस्ट कर देता है, एज ए बॉर्नविटा ये काम करता है हमारी साइट के लिए। तो हमें ये एंटी स्पैम तो फिलहाल अभी हम नहीं चक्कर में पड़ते, इसे हम छोड़ देते हैं। अभी जो हमारा मेन काम है वो है हमारा एलिमेंटर एंड WP फॉर्म्स का। तो पहले हम चलते हैं अपने WP फॉर्म्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं WP फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बनाते हैं ऐड न्यू फॉर्म, स्किप कर देते हैं यहाँ पर इसे, पहले नेम दे देते हैं Form 1 और क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। सो यहाँ पर हम अपना एज इट इज़ फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर दें, आप चाहे चेंज यहाँ से कर सकते हैं लेकिन हम इसे फॉर्म को एज इट इज़ ही रखेंगे। तो हम कर देते हैं इसे सेव। और चलते हैं अपने यहाँ पर पेज में ऑल पेज, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में एडिट, एंड यहाँ पर गाइज आपको करना क्या, आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉक एडिटर है, तो आप इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ही काफ़ी सारे, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये WP फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे Form 1, तो हमारा ये फॉर्म गाइज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देख लेंगे इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं हमारे पेज की। पहले हम देख लेते हैं कि हम अपना पेज को किस तरह का रखना चाहते हैं, इसका स्टाइल क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें तो एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। गाइस, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वो टेम्पलेट होती है कि जो हमारी थीम की टेम्पलेट होती है। अगर आप एलिमेंटर कैनवास कर देंगे तो आपका लेआउट बिल्कुल बदल जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कर दें एंड यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम चलते हैं यहाँ पर अपनी साइट में और कॉन्टैक्ट अस पर चलते हैं यहाँ पर। यस गाइस, फाइन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है। क्लियर है गाइस? आप जैसे मैं यहाँ पर कोई भी अपना क्लिक करता हूँ, नेम अजीम, और यहाँ पर सिद्दीकी अपनी ईमेल मैंने डाली है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं सबमिट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें मैसेज एक मिल चुका है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। गाइज, आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आपका ये शो होगा यूज़र को। तो देखते हैं हमारे ये एंट्री कहाँ आती है, तो पीछे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर WP फॉर्म्स ऑप्शन जो है, WP फॉर्म्स, हम यहाँ पर चलते हैं एंट्रीज में। तो गाइज, यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फॉर्म के साथ कि ये कहता है कि यार इस प्लगइन को खरीद लो तब जाकर ये आपको एंट्री शो करेगा। सो गाइज, अगर आपका बजट अभी नहीं है इस प्लगइन को ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पर गाइज ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, आपको ये कर लेनी है। सो गाइज, आपको जाना है यहाँ पर SMTP पर, एंड यहाँ पर मेकिंग ईमेल डिलीवरेबिलिटी इजी फॉर वर्डप्रेस। सो आप नीचे करेंगे यहाँ पर, और इंस्टॉल WP मेल SMTP आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइज, ये आप इंस्टॉल हो जाएगा, देन इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अपना SMTP मेल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो ये हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी, तो हम स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करते हैं। गाइज, इससे होगा क्या कि जो भी आपकी एंट्रीज होंगी वो आपकी ईमेल पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको गाइज करना क्या है, एक तो आपको अपना ईमेल डालना है, और यहाँ पर आपको गाइज करना क्या है कि आपको मेलर चूज़ करना है। ठीक है, कि मतलब किस मेलर के थ्रू आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। अगर आप यहाँ पर PHP बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हैं तो गाइस होगा क्या कि लोकल होस्ट में ये काम नहीं करेगा, जब आप अपनी साइट को लाइव कर दोगे तब ये काम करेगा। ठीक है, और अगर आप लोकल होस्ट पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अदर SMTP को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना मेलर को मैनुअली कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको SMTP होस्ट डालना है, यहाँ पर आपको SSL TLS कोई सा चूज़ करना है, एंड यहाँ पर आपको पोर्ट वगैरह चूज़ करना है। अगर SSL है तो पोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा,
TLS है तो पोर्ट यहाँ पर 587 हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको SMTP यूज़र नेम करना है एंड यहाँ पर आपको SMTP पासवर्ड। सो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस चक्कर में ना पड़े और आप अपना बाई डिफ़ॉल्ट रखें PHP मेलर ही, ठीक है। जैसे ही आप अपनी साइट को लाइव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा, क्लियर है गाइज। या फिर अगर आपका बजट है, आप थोड़ी अर्निंग वगैरह कर रहे हो और आप बाई कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप WP फॉर्म्स का ये पेड वर्जन आप बाई कर लें और अपने प्लगइन को अपग्रेड कर लें, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइज अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एलिमेंटर कैनवास और एलिमेंटर फुल विड्थ था वो क्या था। सो यहाँ पर चलते पेज पर ही, ऑल पेज, और यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट में ही चलकर देखते हैं एडिट। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चेंज करके हम कर देते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ। सो अपडेट कर देते हैं इसको और यहाँ पर चेक कर देते हैं दोबारा से कि हमें मिलता क्या है यहाँ पर। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये पूरा फॉर्म पूरे मतलब फ्रंट पर फैल गया है, तो ये काफ़ी भद्दा लग रहा है। तो आपको नॉर्मल बाई डिफ़ॉल्ट वाली टेम्पलेट ही चूज़ करनी है, तो आपको एलिमेंटर कोई सा भी यहाँ से चूज़ नहीं करना है, सिर्फ बाई डिफ़ॉल्ट ही आप यहाँ से चूज़ कीजिए। तो वापस चलते हैं दोबारा से, हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म तो हो गया है, और सॉरी पहले हम इसे वो सही कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे बाई डिफ़ॉल्ट ही रख देते हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एंड अपडेट। सो चलते हैं बैक यहाँ पर, एंड अब हम करते हैं गाइज यहाँ पर डिज़ाइन अबाउट अस पेज को। तो एडिट पर चलते हैं यहाँ पर और एडिट विद एलिमेंटर। अब गाइज हम पहुँच गए वर्डप्रेस की जान पर। वर्डप्रेस की गाइज जान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज एलिमेंटर काफ़ी पावरफुल टूल है और जो कि चार चांद लगा देता है हमारी वर्डप्रेस की साइट में। यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे मतलब कंपोनेंट्स मिलते हैं, ऐसे ऐसी टेम्पलेट्स मिलती हैं कि जिनको देखकर रूबी खुश हो जाती है। एलिमेंटर के साथ हमारे और भी प्लगइन्स होते हैं, जैसे एनवेटो वगैरह होता है, लाइव स्मैश होता है, तो उनको भी हम इंस्टॉल करते हैं क्योंकि गाइस एलिमेंटर में काफ़ी सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो पेड होते हैं, जिनमें लॉक लगा होता है, जब तक उसे बाई नहीं करते तब तक अनलॉक नहीं होते, तो जिसके लिए हमें और प्लगइन्स का यूज़ करना होता है एलिमेंटर के साथ। सो अभी हमारा फिलहाल एलिमेंटर से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल कर दें और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फोल्डर है, इस पर क्लिक कर दें ऐड टेम्पलेट एंड हमें यहाँ पर कुछ पेज शो करेगा, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अबाउट अस का, चेक करते हैं कौन सा है अबाउट अस। ओके अबाउट अस, यस गाइज ये काफ़ी सारे इसमें प्रो हैं, ठीक है, तो हम अबाउट का ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है। गाइज अगर आप एलिमेंटर के फर्स्ट टाइम यूज़र है तो यहाँ पर आपसे ये मांगेगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, देन उसके बाद ये आपको टेम्पलेट इम्पोर्ट करने देगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं इंसर्ट एंड यहाँ पर ये मेरे से मांग रहा है गेट स्टार्टेड पर, तो मुझे यहाँ पर ये साइट को गाइज कनेक्ट करनी होगी। ओके फाइन, और अब मैं यहाँ पर इजीली अपनी टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकता हूँ। यस गाइज कूल, ये हमारी टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुकी है, तो हम एक काम करते हैं फटाफट से पहले बिना कुछ चेंज किए इसमें अपडेट कर देते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारा ये टेम्पलेट आया कैसे है। सो यहाँ पर अबाउट अस पर चलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंप्लीट स्क्रीन पर ही अबाउट अस के टेम्पलेट शो हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पीछे चलना होगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें कुछ एडिट करना है या नहीं। गाइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, अब आपको बताता हूँ कि आप एडिट करेंगे कैसे। पहले यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट में, आपके सामने लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लर्न अबाउट अस हु वी आर, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर गाइस आप जो आइकन, कुछ भी आइकन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये लोड नहीं प्रॉपर हो पा रहा है इंटरनेट की वजह से, तो जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ आइकन और भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये, मैं यहाँ पर फेसबुक का मैसेंजर और इंसर्ट, तो यहाँ पर ये आइकन आ चुका है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर जो है
मैं ये टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, कनेक्ट विद अस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं फेसबुक वाले में चेंज कर दूँगा, ये ट्विटर में। सो यहाँ पर कनेक्ट विद अस, ऐसे यहाँ पर यूट्यूब वाले में कनेक्ट विद अस, ओके। यहाँ पर गाइज आप ये कुछ मतलब चूज़ कर सकते हैं अवर स्टोरी को, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी एक बार स्टोरी कुछ भी। अबाउट अस में चलते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंपनी और व्यू। सो जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है गाइज। या आप अगर चाहते हैं कि इसे कंप्लीट बॉक्स को हटाना, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को यहाँ से हटाकर इस पर क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज अब आप यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड गाइज यहाँ पर ये ड्रॉप, ठीक है गाइज। और आप यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कंट्रोल वी, ओके। सो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन, ओके। सो और यहाँ पर आप यूट्यूब की वीडियो भी प्लेस कर सकते हैं। You might be surprised to know the internet actually has a home. कर देते हैं। Well, several homes to be exact. Data centers. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये सिंपली जो आपका एल ये आ रहा है पेंसिल वाला साइन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप YouTube की कोई भी लिंक यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं गाइस, क्लियर है। तो वही वीडियो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम इसे कर देते हैं अपडेट, यहाँ पर बैक करते हैं और हम यहाँ पर टेम्पलेट जो था हमारा यहाँ पर ये टेम्पलेट, तो हम इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो हमारा अबाउट अस पेज है वो हमारा कंप्लीट स्क्रीन पर आ जाए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ और यहाँ पर अपडेट। सो यहाँ पर चेक करते हैं दोबारा से, ये इसका एक कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये कंप्लीट अबाउट अस पेज यहाँ पर आ चुका है, क्लियर है गाइज। सो अब हमारा होम पेज भी बन चुका है, अबाउट अस पेज भी बन चुका है एंड कॉन्टैक्ट अस पेज भी हमारा बन चुका है। अब गाइज सपोज दैट मुझे इस साइट पर कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ पोस्ट कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, तो गाइज मैं लिखूंगा कैसे। तो गाइज उसके लिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक पोस्ट सेक्शन, देखते हैं यहाँ पर अपने पैनल में। पहले यहाँ पर बैक करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने पोस्ट पर एंड यहाँ पर ऑल पोस्ट, हेलो वर्ल्ड है, तो हम क्या करते हैं इसे ट्रैश कर देते हैं एंड यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। तो गाइज अब मैं सपोज दैट अपनी पोस्ट लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट के ऊपर, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, ओके। और यहाँ पर हम मतलब कुछ भी देख सकते हैं, तो हम सिंपल यही ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से हम ये थोड़ा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, तो कंट्रोल सी। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पैराग्राफ एंड यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे गाइज। अब गाइज अभी तक जो फॉर्मेटिंग आपकी जो फॉर्मेटिंग साइट पर थी यहाँ पर, वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ रही है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे गाइज ये बोल्ड है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करेंगे पहले और अनबोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई लिंक प्लेस करें इसके अंदर, तो जैसे वेब डेवलपमेंट है, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा
ठीक है, एंड यहाँ पर ये हाइपर लिंक होगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये URL कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर ये URL यहाँ पर डाल देंगे कंट्रोल वी। ओके गाइस, तो हमारी ये लिंक हमारी यहाँ पर ऐसे आ सकती है। अगर आपको इसमें इमेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमेज भी कोई प्लेस कर सकते हैं एंटर करके, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई भी एक इमेज वगैरह। तो यहाँ से आप इमेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपलोड इमेज, सो सपोज दैट मैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट यहाँ से ये ले लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ इसको। ठीक है गाइज, तो गाइज आप इसका साइज़ चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे अलाइन भी कर सकते हैं, अलाइन राइट भी कर सकते हैं, और आप इसे सेंटर भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? एंड गाइज यहाँ पर आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका साइज़ भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मीडियम साइज़ रख सकते हैं, छोटा साइज़ हो जाएगा, और यहाँ पर आप सिंपली पब्लिश कर देंगे। तो गाइज इस तरह से हम एक पोस्ट को लिख सकते हैं अपनी। सो यहाँ से अभी से क्रॉस कर देंगे, अब यहाँ पर गाइज क्या होता है कि पोस्ट की एक फीचर इमेज होती है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सिंपली ये सेलेक्ट, एंड यहाँ पर सेलेक्ट फीचर इमेज। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर एक्सर्प्ट क्या होता है, एक्सर्प्ट वो होता है कि मतलब जो भी हमारी पोस्ट होती है उसका मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि हमें मतलब ग्रिड में शो होगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी थोड़ा उठाकर यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी कर देते हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में चलते हैं और एक्सर्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर कंट्रोल ए और कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं इसको अपडेट। अब गाइज यहाँ पर बात आती है कैटेगरी की। सो गाइज कैटेगरी ये होती है कि सपोज दैट आपने 10 पोस्ट लिखी हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, 10 पोस्ट अलग अलग टॉपिक अलग अलग डोमेन से रिलेट कर दिए हैं। ठीक, सपोज एक पोस्ट रिलेट करती है डिजिटल मार्केटिंग से, एक पोस्ट रिलेट करती है वेब डेवलपमेंट से, एक पोस्ट रिलेट करती है ऐप डेवलपमेंट से। सो गाइज आप उन तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट वाली पोस्ट आएंगी वो आएंगी हमारी वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में, जो ऐप डेवलपमेंट की पोस्ट आएंगी वो आएंगी हमारी ऐप डेवलपमेंट की कैटेगरी में। सो गाइज अगर आप कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं तो गाइज आप कैटेगरी यहाँ से आप बना सकते हैं। सो ऐड न्यू कैटेगरी हम यहाँ पर कर देते हैं वेब डेवलपमेंट। ओके, एंड ऐड न्यू कैटेगरी। सो अब हम यहाँ पर टिक कर देते हैं वेब डेवलपमेंट पर, तो मीन्स हमारी जो पोस्ट जाएगी ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में जाएगी। देन यहाँ पर कर देते हैं इसको अपडेट। ठीक है गाइज, सो अब हम चलते हैं अपनी साइट पर, चेक करते हैं ब्लॉग्स में, क्योंकि गाइज पोस्ट पेज हमने रखा था ब्लॉग्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पूरी पोस्ट आ चुकी है। फटाफट से एक पोस्ट और क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बैक चलते हैं एंड एक पोस्ट और क्रिएट करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और यहाँ पर हम एक कोई सा भी एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, सपोज़ हम यही कर लेते हैं नील पटेल का, काफ़ी फेमस ब्लॉगर है। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं पहले, ये हम हेडिंग ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पर हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं ये। ठीक है, और अभी हम चलते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं थोड़ा सा पोस्ट का। सो यहाँ से कॉपी, ओके कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम पैराग्राफ लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से पैराग्राफ और कंट्रोल वी। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये कंप्लीट पोस्ट आ चुकी है और इवन इमेज भी हमारी आ चुकी है। ठीक है गाइज, सो अब हम एक काम करते हैं, इसे
कैटेगरी में हम इसे अलग पब्लिश करेंगे। सो, इसके लिए कैटेगरी और बना देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी। सो फाइन गाइज, अब इसका हम लगा देते हैं यहाँ पर फीचर्ड इमेज। सो फीचर्ड इमेज देख लेते हैं, कोई फीचर इमेज है क्या। पीछे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेते हैं इमेज, क्लिक करते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक यहाँ पर, और सेव इमेज एज। सो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी ये, और फटाफट से यहाँ पर हम कर देते हैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड। सो यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज, ओके फाइन, एंड यहाँ पर थोड़ा एक्सर्ट हम डाल देते हैं। यहाँ पर कॉपी करते हैं पहले, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सर्ट, कंट्रोल वी, पब्लिश। ओके, एंड यहाँ पर पब्लिश। सो गाइज, अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं और एक बार चेक करते हैं दोबारा से ब्लॉग्स में। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब गाइज, हमें करना क्या है यहाँ पर, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी यहाँ पर कि जैसे ही आप ब्लॉग पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके ब्लॉग रैंडमली आ रहे हैं, एंड गाइज वो सारे ब्लॉग आपको कंप्लीट ओपनली मिल रहे हैं। लेकिन गाइज, हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉग्स आए, जैसे हम किसी अपने ब्लॉग वाले सेक्शन पर क्लिक करें तो हमें वहाँ पर ग्रिड फॉर्मेट में ब्लॉग्स मिले। अब ये बात गाइज डिपेंड होती है थीम के ऊपर। सो गाइज, इस थीम में क्या है कि जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो हमें इस तरीके से ही शो होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर थीम की प्रॉब्लम यह है तो हम यहाँ पर प्लगइन ऐड कर लेते हैं कोई। यस गाइज, तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने प्लगइन्स पर और एक प्लगइन ऐड करते हैं, पोस्ट ग्रिड। यहाँ पर ऐड न्यू, एक प्लगइन ऐड करेंगे यहाँ पर पोस्ट ग्रिड। अब गाइज, पोस्ट ग्रिड प्लगइन क्या करेगा कि जो भी हमारी ये पोस्ट है इनको एक ग्रिड फॉर्मेट में दिखा देगा। सो यहाँ पर पोस्ट ग्रिड, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ, ओके, एक्टिवेट भी कर देते हैं यहाँ से। अब गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। प्रॉब्लम गाइज यहाँ पर क्या आएगी कि जो भी हमारा ब्लॉग पेज है, ठीक है, तो ब्लॉग पेज पे हम चाहते हैं कि हमारे सारी मतलब जो ग्रिड फॉर्मेट है ब्लॉग पेज पर ही मिले। लेकिन गाइज, ब्लॉग पेज पर ग्रिड फॉर्मेट मिलना इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि गाइज क्या होता है कि जो पोस्ट ग्रिड प्लगइन है ये हमें एक शॉर्ट कोड दे देता है छोटा सा, और ये कहता है कि जिस भी पेज पर आपको पोस्ट ग्रिड चाहिए, यानी कि ग्रिड व्यू में आपको पोस्ट चाहिए, उस पेज के ऊपर इस शॉर्ट कोड को डाल दो जाकर। तो अब हम देखते हैं कि क्या ब्लॉग पेज पर हमारा शॉर्ट कोड प्लेस होता है या नहीं, वो आपको देखकर समझ में आएगा। तो अब हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट ग्रिड, और यहाँ पर देखते हैं ऑल पोस्ट ग्रिड। यहाँ पर ऐड करते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, पोस्ट ग्रिड व्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेरी पोस्ट, तो यहाँ पर पोस्ट टाइप ये पोस्ट ही आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रिड में पोस्ट ही चाहिए, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, कैटेगरीज के, ओके। और यहाँ पर, और आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है कि पोस्ट पर पेज, आप एक पेज पर कितनी पोस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार में जो आपका पेज ओपन होगा उस पर कितनी आपको पोस्ट दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या डिक्रीज़ भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि मतलब आप किसी पोस्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहते या किसी पोस्ट को आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी आईडी डिफाइन कर सकते हैं। अब गाइस, आईडी की बात पहले भी आई थी तो मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट की आईडी कैसे पता चलती है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है फालतू इसके अंदर, ठीक है। बाकी सिंपल सा हमें जाना है यहाँ पर पब्लिश पर, और गाइस यहाँ पर आपको फिर जाना है शॉर्ट कोड पर। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कोड मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं शॉर्ट कोड। तो आपको सिंपल इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा। देन अब आपको गाइस चलना है कहाँ पर, जिस पेज पर आपको ये ग्रिड चाहिए। तो
तो हम चलते हैं ऑल पेज में, और यहाँ पर हम चलते हैं अपना ब्लॉग्स वाले पेज में, क्योंकि गाइज ये ब्लॉग जो था ये तो ऑटोमेटिक था जो कि इसका मतलब थीम का था, तो हम इसे ट्रैश कर देते हैं। ट्रैश से क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और हम यहाँ पर अब चलते हैं अपने जो हमारा ब्लॉग था इसमें चलते हैं एडिट में। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा है यू आर करेंटली एडिटिंग द पेज दैट शोज योर लेटेस्ट पोस्ट, कि आप उस पेज को एडिट कर रहे हो जिस पेज पर आपकी लेटेस्ट पोस्ट शो होती है। तो अगर आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे वो भी नहीं होगा, और नॉर्मल एडिटर का तो यहाँ पर ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो देखते हैं एक बार क्या कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है द प्रीव्यू कैन नॉट बी लोडेड, वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मतलब जो भी आपका ब्लॉग पेज होगा या फिर जिस पेज पर आपकी लेटेस्ट पोस्ट होंगी तो वहाँ पर आपका शॉर्ट कोड वर्क नहीं करेगा। तो गाइज अब आपको यहाँ पर एक हैक अप्लाई करना है कि आपको चाहिए कि फ्रंट एंड पर यूज़र को ब्लॉग वाला पेज ना दिखे, ठीक है, सबसे ऊपर मतलब मैन्यू ब्लॉग्स वाला पेज ना दिखे, और आप वहाँ पर एक अलग पेज दिखे जहाँ पर उसको ग्रिड में पोस्ट दिखे। सो यहाँ पर एक ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर दें और एक पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, जिसका नेम हम रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ एंड यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है गाइस, ये आपका शॉर्ट कोड प्लेस हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसका जो लेआउट जो है वो टेम्पलेट यहाँ पर डिफाइन करनी है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही होगा, और यहाँ पर पब्लिश आपको कर देना है सिंपल। क्लियर है गाइस? सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये आ रहा कैसे है। तो अभी तो हमें ये शो नहीं होगा, हम एक काम करते हैं पीछे जाते हैं, पहले इस आर्टिकल को हम अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। सो हमें कहाँ पर जाना होगा, अपीयरेंस में, यहाँ पर मेन्यूज में, एंड यहाँ पर गाइस हमें करना क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू ऑल पर, और यहाँ पर हम कर देते हैं आर्टिकल्स, यहाँ पर क्लिक कर दें और ऐड टू मेन्यू। क्लियर है गाइस? एक काम और करते हैं कि जो हमारा ब्लॉग्स है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और आर्टिकल्स को यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, देन अब यहाँ पर सेव कर देते हैं। सो अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ओके फाइन, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये हमें ग्रिड व्यू में पोस्ट मिल गई है। अब गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके मेन्यूज़ में कैटेगरीज भी शो हों, कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दिखें यूज़र को, और वो जैसे ही अलग अलग कैटेगरी में जाए तो वहाँ पर उसको कैटेगरी वाइज ब्लॉग्स मिल जाएं। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं अपने मेन्यूज़ में ही, और यहाँ पर हम कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर दोनों कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड टू मेन्यू। क्लियर है गाइज? अब करना क्या है यहाँ पर गाइज, सिंपली आपको अगर ड्रॉप डाउन बनाना है, देखो कितना बढ़िया ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वर्डप्रेस में, बड़े प्यार से हम कर सकते हैं चीज़ों को, कि आर्टिकल्स के नीचे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहाँ से वेब डेवलपमेंट को उठाएंगे और प्यार से इसके नीचे रख देंगे ले जाकर, और इसे थोड़ा साइड में को सरका देंगे। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग को उठाएंगे यहाँ से, और इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इसके लगा देंगे। ठीक है, तो गाइज अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल जादू हो जाएगा एकदम, कि यार मतलब इतना प्यार से काम होता है वर्डप्रेस में कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देख सकते हैं आप कि हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है। यस गाइस, कूल, कि अगर हम वेब डेवलपमेंट पर क्लिक करेंगे तो वेब डेवलपमेंट वाली ही पोस्ट हमको शो होगी। यस कूल गाइस, सो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस में काम कितना आसान है, और आप इजीली अपनी वेबसाइट इजीली बना सकते हैं बिल्कुल। अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली और है, हम चलते हैं एक बार आर्टिकल्स पर और वेब डेवलपमेंट पर चलते हैं, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं किसी आर्टिकल पर क्लिक कर दें। ठीक है गाइज, तो जैसे ही आपने आर्टिकल पर क्लिक किया तो ये आप यूआरएल देख सकते हैं कि यूआरएल आपका कितना गंदा यूआरएल आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें गाइज डेट का फॉर्मेट भी आ रहा है,
तो अब गाइज हमें करनी है यूआरएल फॉर्मेटिंग, ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे अब कि पोस्ट की आईडी हमें कैसे पता लगानी है। तो हम चलते हैं पहले यहाँ पर अपने पोर्टल पे ही, और यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम चलते हैं परमालिंक्स में। सो गाइज अगर आपको पता लगानी है कि आपकी पोस्ट की आईडी क्या है, तो आपको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करना है प्लेन, क्योंकि गाइज अभी यहाँ से क्या सेलेक्ट हो रहा था, डे एंड नेम, बाय डिफॉल्ट डे एंड नेम यहाँ से सेलेक्ट था, तो इसलिए डे एंड नेम आ रहा था। तो अब यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर सेव चेंजेस कर देते हैं। सो गाइज अभी आपको क्या करना है, पहले होम पेज पर चलना है, ये रिफ्रेश हो जाएगी इतना, और अब आपको यहाँ पर चलना है वेब डेवलपमेंट पर। तो आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी की आईडी उसने शो कर दी है, और यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी इक्वल टू 50, यानी कि जो ये पी है यानी पोस्ट की आईडी क्या है कि 50 आईडी है इस पोस्ट की। तो ऐसे आप पोस्ट की आईडी पता लगा सकते हैं। अब गाइज हमें ये पोस्ट की आईडी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गाइज यूआरएल हमें एक अच्छा यूआरएल दिखाना होता है यूज़र को भी, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि ताकि हमारा यूआरएल अच्छा हो। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे पोस्ट नेम, और यहाँ पर आ जाएगा सेव चेंजेस। सो गाइज अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, पहले होम पर जाते हैं, सिंपली यहाँ पर आर्टिकल्स में डिजिटल मार्केटिंग वाले पर देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं कि बस मेरा वर्डप्रेस के बाद यानी कि साइट नेम के बाद सिंपल पोस्ट का नेम आ रहा है। तो गाइज ये हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपको यूआरएल यही रखना है। तो यहाँ से आपको सेटिंग हमेशा क्या करनी है, पोस्ट नेम वाली। अब गाइज हमारा ये तो हो चुका, तो अब हमें क्या करना है, हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमारा रह गया। सो एक तो हमारा ये जो है टैगलाइन, ये हमारी टैगलाइन चेंज नहीं हुई, और नीचे देख लेते हैं हमें क्या करना है और चेंज। ओके सो नीचे जो हमारा कॉपीराइट है, इस कॉपीराइट को भी हमें हटाना है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी थीम में, और यहाँ पर सिंपल हम कस्टमाइजेशन पर जाएंगे, पहले अपनी डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर कस्टमाइज योर साइट। अब सिंपली गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको चलना है थीम ऑप्शन में, यहाँ पर आपको लेना है फुटर, एंड यहाँ पर फुटर कॉपीराइट, एंड यहाँ पर आप इसे कंप्लीट हटा देंगे बिल्कुल, ठीक है गाइज। और यहाँ पर हम कर देते हैं सिंपल सॉफ्ट सॉल्यूशन। गाइज ज़रूरी नहीं है कि हर थीम में आपको इतना ही सिंपल मिले कॉपीराइट हटाना, क्योंकि गाइज इस थीम में तो हम इजीली हटा सकते हैं, लेकिन गाइज मोस्ट ऑफ द थीम में यही होता है कि आप थीम का कॉपीराइट नहीं हटा पाते, देन उसके लिए हम वहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कि कभी हम कुछ प्लगइन्स की हेल्प ले लेते हैं, देन कभी हम नॉर्मल अपनी थीम को एडिट कर देते हैं फुटर में जाकर। सो यहाँ पर इसे पब्लिश कर देते हैं, और यहाँ पर फुटर विजिट में चलते हैं, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं कंटेनर में, तो हमारा फुटर थोड़ा सही हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम एक विजिट और ऐड कर देंगे फुटर में, सिंपली यहाँ पर हम चलेंगे विजिट्स में, और यहाँ पर फुटर साइड बार 4, और यहाँ पर ऐड ए विजिट, देन यहाँ पर हम कर देंगे पोस्ट वगैरह, यहाँ पर हम कर देते हैं रिसेंट पोस्ट। ओके सो यहाँ पर टाइटल रिसेंट पोस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर अप्लाई, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम कर देंगे पब्लिश, तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो गया है। तो अब लास्ट हमारी चीज़ रह गई है कि ये जो हमारी टैगलाइन है, पीछे चलते हैं यहाँ पर और साइट आइडेंटिटी में जाते हैं, देन यहाँ पर टैगलाइन को हम चेंज करते हैं। टैगलाइन यार हमने चेंज तो की थी, बट क्या प्रॉब्लम रही, चलो कोई नहीं, एक बार टैगलाइन हम चेंज करते हैं, वी बिलीव इन परफेक्शन। ओके वी बिलीव इन परफेक्शन, ठीक है, पब्लिश कर देंगे सिंपल यहाँ से, तो यहाँ से पब्लिश हो जाएगी। बैक चलते हैं यहाँ पर और अपनी साइट को देखते हैं कि अब भी कुछ कमी रह गई है या नहीं।
रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। ओके, कॉपीराइट भी हमारा चेंज हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे खुद की ही कंपनी हो। सो इसे फ्रंट पर लेकर चलते हैं होम पर। सो आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी सारे जो हमने चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमारी एक ये कंप्लीट प्रोफेशनल साइट गाइस बन चुकी है। गाइस अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि हम वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, और वो अभी कोई सिंपल वेबसाइट नहीं कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यही वेबसाइट अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो गाइस आप अपने क्लाइंट से कम गाइस 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो हमने सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि हम अपने थीम को इंस्टॉल कैसे कर दें, पोस्ट कैसे बनाते हैं, अपना प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर दें, एंड जो भी हमारी कैटेगरी वगैरह होती है उनको हम कैसे बनाते हैं, मेन्यूज कैसे बनाते हैं, कैटेगरी को हैंडल कैसे करते हैं, तो गाइस आपने उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी और आप अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। सो गाइस अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊं कि जिसमें हम आपको सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर करें, सो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एंड गाइस अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा तो गाइस मैं आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।